हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इब्राहिम खान। आज हम सुपरपोजिशन ऑफ योस में हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन देखेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय हार्मोनिक्स? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी and all its integral multiples are called as harmonic. For example, this L is your fundamental frequency. This is your fundamental frequency. Then 2L is second harmonic. And अगर fundamental frequency है, 2N second harmonic होगा, 3N third harmonic होगा, 4N fourth harmonic, 7N seventh harmonic, seventh harmonic. This is about the हार्मोनिक्स। तो व्हाट इज मीन बाय ओवरटोन? ओवरटोन्स। नाउ द फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, द फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। व्हाट इज ओवरटोन? द फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी is called first overtone. For example, this is your fundamental frequency N. Now consider 3N. This is your fundamental frequency, first harmonic. It is third harmonic and first overtone. For example, आपका 5N है. It is N, 3N, 5N. It is fifth harmonic and second overtone. For example, 7L. It is seventh harmonic and third overtone. तो आपकी first frequency, fundamental frequency के बाद जो first frequency आती है, it is called first overtone. उसके बाद में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी तो उसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। उसके बाद में नेक्स्ट आएगी थर्ड ओवरटोन। लेकिन ये आपका मान लो कि इस टाइप में N, 4N, 6N, 8N, दिस इज योर फर्स्ट हार्मोनिक, देन फोर्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, एट्थ हार्मोनिक, दिस इज योर फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। दिस इज अबाउट द हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। Now, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। नाउ कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोड्स of vibration of mode of vibration of string, stretched string, mode of vibrations of stretched string. Now consider a string of length L, and linear density small n. This linear density is nothing but mass per unit length is called linear density. Consider a string of length L and linear density m is stretched between two rigid support. आपकी एक string है जिसकी length L है, linear density m है। इसको हमने क्या किया कि दो सपोर्ट में इसको स्ट्रेच कर दिया, इसको हमने तान कर जो है इसको बांध दिया दो सपोर्ट में, इन दिस वे। नाउ एंड लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब इसको हम तान के बांधेंगे तो टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। नाउ इफ वी प्लग दिस स्ट्रिंग एट द सेंटर, हमने क्या किया कि इसको सेंटर पे प्लग किए, इसको सेंटर पे थोड़ा सा इस पे प्लग किए और छोड़ दिए, पकड़ के इसको क्या किया आपने सेंटर से पकड़े और छोड़ दिए, तो क्या होगा? इट वाइब्रेट, ये स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट होंगी। नाउ
कंसीडर द फॉलोइंग केसेस मोड वन, हम देखेंगे मोड वन, मोड वन. नाउ इन दिस मोड द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन सच अ वे दैट ओनली वन लूप इज फॉर्म. इस टाइप में यहां पे क्या होगा आपका वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन में द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन सच अ वे दैट ओनली वन लूप इज फॉर्म, एक ही लूप फॉर्म होगा. नाउ दिस इज द लेंथ, लेंथ ऑफ द लूप. तो व्हाट इज लेंथ, लेंथ क्या होंगी आपकी लैम्डा बाय टू. नोड और नोड का जो अंतर है कितना होता है लैम्डा बाय टू. लूप की लेंथ कितनी होगी लैम्डा बाय टू, तो लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू. नाउ लेट एन बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन एंड लैम्डा बी द वेव लेंथ ऑफ द वेव. नाउ वी नो दैट इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी और द वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो उसमें आपको जो वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालना है तो फॉर्मूला है अंडर रूट टी बाय एम. 11 पे हुआ है फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव दैट इज बी इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम. नाउ वी नो दैट द लेंथ इन दिस मोड, लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू. व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा 2L हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा. नाउ द एन बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी नो दैट एन इज इक्वल टू व्हाट इज वी इज इक्वल टू, हमको पता है वी इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा होता है, हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वी बाय लैम्डा. तो नाउ एन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, देयरफॉर एन इज इक्वल टू व्हाट इज वी अंडर रूट टी बाय एम एंड व्हाट इज लैम्डा दैट इज 2L. तो लैम्डा डिवाइड में है 1 अपॉन 2L डिवाइड में आएगा 1 अपॉन 2L अंडर रूट टी बाय एम. दिस इज द फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन मोड फर्स्ट. दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन मोड फर्स्ट. नाउ कंसीडर मोड सेकंड, मोड सेकंड एंड इन मोड सेकंड, इन दिस मोड द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन सच अ वे दैट टू लूप्स आर फॉर्म. यहां पर आपका जो स्ट्रिंग है इस तरह से वाइब्रेट होगा कि इसमें दो लूप फॉर्म होंगे. इन दिस वे नाउ व्हाट इज दिस लेंथ, लेंथ दिस एल इज इक्वल टू लेंथ क्या होंगी आपकी, नाउ दिस लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय टू, इसकी लैम्डा बाय टू ये लूप की, इसकी लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय टू ये होंगी लैम्डा हाफ द हाफ दैट इज वन. तो कंसीडर इट विल बी अ लैम्डा वन. नाउ इन दिस मोड, मोड टू, इन दिस मोड द स्ट्रिंग्स वाइब्रेट इन सच अ वे दैट इट फॉर्म अ, इट फॉर्म टू लूप्स, टू लूप्स आर फॉर्म. लेंथ लैम्डा बी, लैम्डा वन बी द वेवलेंथ ऑफ द वेव एंड एन वन बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, एन वन बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन दिस मोड. नाउ दिस फ्रीक्वेंसी दैट इज एन वन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा वन. नाउ दिस एन वन इज इक्वल टू व्हाट इज वी अंडर रूट टी बाय एम एंड व्हाट इज वन अपॉन लैम्डा. व्हाट इज लैम्डा वन, लैम्डा वन इज नथिंग बट यूर लेंथ दैट इज एल, लैम्डा वन इज एल. नाउ यहां पे हमने इसको टू से मल्टीप्लाई किए, टू से डिवाइड किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एन वन इज इक्वल टू टू से मल्टीप्लाई करो दैट इज टू और इस टाइप में टू से मल्टीप्लाई किया हमने, टू से डिवाइड किए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंडर रूट टी बाय एम. नाउ बट दिस वन अपॉन ट्वाइस एल टी बाय एम, व्हाट इज दिस वन अपॉन ट्वाइस एल, वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाय एम इज नथिंग बट यू आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर एन वन इज इक्वल टू दिस टू. इस टाइप में लिखो दिस टू वन अपॉन ट्वाइस एल.
टू से मल्टीप्लाई किए, टू से डिवाइड किए. नो बट वी नो दैट अभी निकाले हमने वन अपॉन टू आई सेल अंडर रूट टी बाई एम इज नथिंग बट यूर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. देयरफॉर दिस टू व्हाट इज दिस इज नथिंग बट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. वन अपॉन टू आई सेल अंडर रूट टी बाई एम इज नथिंग बट यूर एम दिस टू एन. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन. नाउ मोड थ्री. मोड थ्री. नाउ इन दिस मोड, मोड थ्री, इन दिस मोड द स्ट्रिंग वाइब्रेट. द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन सच अ वे दैट थ्री लूप्स आर फॉर्म. आपका तीन लूप फॉर्म होंगे इसमें. थ्री लूप्स आर फॉर्म इन दिस वे. नाउ दिस लेंथ, लेंथ कितनी होगी इसकी? लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू. थ्री लेंथ इज नथिंग बट थ्री लैम्डा बाय टू. थ्री लैम्डा बाय टू. नाउ कंसीडर दिस इज द लैम्डा टू. नाउ इन दिस मोड द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन सच अ वे दैट थ्री लूप्स आर फॉर्म. थ्री लूप्स आर फॉर्म. द लेंथ ऑफ नाउ लेंथ इज इक्वल टू थ्री लैम्डा टू डिवाइडेड बाय टू. Now lambda 2 is equals to 2L divided by 3. 2L divided by 3. This is the lambda 2. Now let N2 be the frequency of vibration in this mode. Now this N2 can be given as V by lambda, that is lambda 2. Now what is V? Under root T by M 1 upon. What is lambda 2? What is lambda 2? 2L divided by 3. Now this N2 is equals to yapta 3 jo hai upar jayega, that is 3 1 upon 2L. 3 upar aayega, 1 upon 2L under root T by M. Now what is this 1 upon 2ICL T by M is nothing but the fundamental frequency N. Therefore N2 is equals to 3. What is this N? N2 is equals to 3N. It is the frequency of third harmonic, 3N, third harmonic and or second overtone. Isko third harmonic bolo ya second overtone. This is about the vibrations produced in a string, or it is a mode of vibration of a stretched string. Stretched string. Now we know that first frequency, that is N, 2N, 3N, iske baad aayega 4N, 5N, etc. All harmonics are present in the mode of vibration of stretched string. All harmonics, sabhi harmonics mein present rahenge in the vibration of a stretched string. This is about the vibration produced in a string, stretched string. Now there are three laws of the stretched string, or the laws of vibrating string. Laws of vibrating string. Laws of vibrating string. Now we know that fundamental frequency is given as L is equals to 1 upon twice L under root T by M. ये formula ध्यान में रखो, इसके हिसाब से law निकालो. First law is your law of length. Law of length. Now if the M, that is linear density and tension, are constant, आपका T और M constant रखे, तो now this L fundamental frequency is inversely proportional to the length of the vibrating string. If T and M are constant, then the fundamental frequency is inversely proportional, 1 upon L, inversely proportional to the length of the vibrating string. Now second, law of tension. Now if L and M are constant, आपका L और M constant है, तो क्या होगा? Frequency, fundamental frequency is directly proportional to square root of tension in the string. Now third law, law of linear density.
linear density means mass per unit length. If this length and T tension are constant, आपका length और tension constant है तो fundamental frequency क्या होगा? Square root 1 upon L. L T constant है. Now if tension T in the string and linear density are constant, then the fundamental frequency is inversely proportional to the square root of, inversely proportional है 1 upon m, inversely proportional to the square root of the linear density. These are about the laws of vibrating string. Okay, thank you.